देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के काशीपुर कोतवाली पुलिस ने देर रात एक अंग्रेजी शराब के ठेके पर छापा मार कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की 624 पेटी अवैध रूप से स्टॉक में रखी बरामद की है। जिसके बाद आज मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि बरामद शराब की कीमत लगभग 25 लाख की आंकी गई है। इस दौरान पुलिस कार्रवाई में दुकान मालिक संदीप चौहान और मैनेजर सुरेंद्र बिष्ट फरार होने में सफल रहे। सेल्समैन नरेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ की, जिस पर पुलिस ने आज मीडिया को बताया कि भारी मात्रा में बरामद शराब का जखीरा आगामी निकाय चुनाव में इस्तेमाल होना था। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस बड़ी कार्रवाई पर जनपद के पुलिस कप्तान सदानंद दाते ने कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम की पीठ थपथपाते हुए इनाम देने की घोषणा की है। ये बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म है ना, उससे बातचीत लगी पड़ी हुई है। करते क्या है, जो ठेकेदार होते हैं, इस बार असल में दिक्कत क्या हुई है, 31 मार्च को क्लियरेंस होती है। अगला ठेका होता है तो करेंगे, वो तो लीगल है, उसने स्टॉक में दिखाया, उसको टैक्स पेड है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के काशीपुर से रफी खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।